मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब 150 साल पुरानी जेल की दीवारें भरभराकर गिर गईं। हादसे में 21 कैदी घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। दोनों कैदियों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। हादसे के लिए तेज बारिश वजह बताई जा रही है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जेलर ओपी पांडे ने बताया कि हादसा सुबह 5:10 पर हुआ। एक सिपाही ने देखा कि बैरक नंबर 7 का प्लास्टर गिर रहा है। उसने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और इसकी और बाकी सिपाहियों को इकट्ठा किया। जैसे ही बैरक खोलना शुरू किया तो बैरक नंबर 7 पूरी तरह से गिर गया। दीवारें गिरने से करीब 21 कैदी उसके नीचे दब गए। जैसे तैसे सभी सिपाहियों को बैरक नंबर 8 में शिफ्ट किया गया। हादसे के वक्त बैरक नंबर 7 में 64 कैदी थे, जबकि जेल में कुल 255 कैदी हैं। आज सुबह 5:10 के आसपास जो है, ये जेल जो काफी पुरानी है, इसे 1958 में स्टार्ट किया गया था, लगभग 150 साल पुरानी जेल है। इसकी दीवारें भरभरा के गिरना शुरू हुई, जिसमें बैरक नंबर 6 जो है वो पूर्णतः ध्वस्त हो गया और उसमें 64 कैदी थे। जेल में कुल 255 कैदी थे, सभी की गिनती कर ली गई है और उसमें से 22 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। कलेक्टर साहब और मैं, हम लोग तत्काल यहां पहुंच गए। जेलर साहब और जेल के कैदियों ने इसमें काफी मेहनत की है, अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, आगे भी कार्रवाई जारी है। जेलर ने बताया कि कुछ दिनों से जेल में पानी टपक रहा था। 4 दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग को इसकी मरम्मत के लिए पत्र भी लिखा था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 साल के जवाब में उन्होंने कहा कि जेल में इस तरह की पहले भी मरम्मत हो चुकी है। जेलर ने किसी भी कैजुअल्टी से साफ इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस जेल की जगह नई जेल का प्रस्ताव किया गया था। साल 2008 से नई जेल बन रही है, इसे 2018 तक तैयार हो जाना था, लेकिन अभी तक नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज पुराण। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।